गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, आज हम आपको बहुत इम्पोर्टेंट नोटिस देने वाले हैं। जो भी बच्चे क्लास नाइन्थ के हैं वो अब पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। आपको हम इसके पहले भी वीडियो डाल चुके हैं, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको आप वीडियो देख लीजिए अच्छे से। और जो आज हमारा टॉपिक है लाभ एक्सपोनेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं वो अच्छे से देख सकते हैं। और आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है और समझना भी है तो आप लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग जो भी बेसिक्स क्वेश्चंस या बेसिक्स हमारे कॉन्सेप्ट हैं वो आपको क्लियर होने चाहिए। अगर आप क्लास नाइन्थ में आप एंटर कर चुके हैं तो बेसिक मैथ, बेसिक जो फार्मूले होते हैं वो भी आपको आने चाहिए। तो आपको अच्छे से समझना है और सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं हम लाफ एक्सपोनेंट कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे। तो हमारा जो लाफ एक्सपोनेंट है तो इसको कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो आपको अगर डिफिनेशन पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को क्या बोला जाता है, पावर भी बोली जाती है और क्या बोला जाता है, इंडेक्स भी बोला जाता है। यानी कि एक के तीन नाम है जिसे एक्सपोनेंट, पावर और इंडेक्स बोला जाता है। ये इंडेक्स काफी लोगों को नहीं पता होता है कि क्या एक्सपोनेंट को भी इंडेक्स बोलते हैं। तो आइए हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे आपके पास ए की पावर बी है, ए की पावर बी मीन्स क्या होता है, जैसे आप पास टू नंबर से हैं, टू नंबर हम 10 टाइम्स बार क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। कितनी टाइम्स बार, 10 टाइम्स बार हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 टाइम्स। तो इसको हम पावर के फॉर्म में कैसे लिखते हैं या कैसे राइट करते हैं, तो हमारा जो नंबर्स होता है वो क्या होता है, बेस के होता है, और जो जितनी टाइम्स बार होता है वो हमारा क्या होता है, पावर में चढ़ती है। इसका मतलब पता चल गया, ये हमारा क्या होता है, बेस, ये हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स। क्लियर है, यानी कि एक के तीन नाम है, कोई भी नंबर से है वो कितनी टाइम्स बार रिपीट हुआ है, कितनी टाइम्स बार लिखा गया है, उसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे राइट कर सकते हैं। तो 2 पावर 10 फॉर्म में जो हम राइट करते हैं यही हमारा क्या होता है, 2 पावर 10 एक्सपोनेंट या पावर या इंडेक्स होता है। और बेस हमारा क्या होता है, बेस जो नंबर्स होता है राइट होता है मल्टीप्लाई होता है वही हमारा क्या होता है, बेस। जैसे आपके पास ए की पावर बी है, इसमें आप क्या कहेंगे कि ए हमारा यहाँ क्या आ जाएगा, बेस, ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर। इसका मतलब है ए जो लिखा गया है बी टाइम्स बार लिखा गया है। और एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जैसे -1 की पावर 10 है, इसका मतलब क्या होगा कि जो -1 है 10 टाइम्स बार लिखा गया है, कितनी टाइम्स बार लिखा गया है, 10 टाइम्स बार, ऐसे लिख सकते हैं, इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं और इसे शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं। या आपके पास 2 पावर 5 है, इसका मतलब 2 into 2 into 2 into 2 into 2, यानी कितनी टाइम्स बार लिखा गया है, 5 टाइम्स बार लिखा गया है। तो यही हमारा क्या होता है, एक्सपोनेंट। इसमें कुछ लॉ होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो आपको आना चाहिए, और आप कुछ फार्मूले भी हैं, आइए देखते हैं फार्मूले क्या हैं। जो कुछ फार्मूले हमारे पास है, पहला फार्मूला है ए की पावर एम की पावर एन, यानी कि पावर पावर कोई वैल्यू रहेगी तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपस में हो जाएगा। सेकंड क्या है, अगर बेस इक्वल है, बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ए की पावर एम, एक पावर एन माइनस एन, किसी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, वीडियो हम बता चुके हैं 1 क्यों होती है। एक पावर माइनस एम है तो 1/1 पावर m हो जाएगा। v फिफ्थ जो हमारा है, ए बी पावर m है तो 1 पावर m भी राइट कर सकते हैं और बी पावर बी m राइट कर सकते हैं। ये हमारे जो होते हैं बहुत बेसिक फार्मूले हैं, आप इसको अच्छे से नोट करते चलिए, याद करते चलिए, और इस पे हम क्वेश्चन कुछ कराएंगे, कुछ आपको एग्जाम्पल्स के साथ देते चलते हैं। इस बेस में रहेगा तो कैसे एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, 2 की पावर जैसे 3 है, की पावर 4 है, तो हम क्या करेंगे, पावर पावर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पावर 12 हो जाएगा। इसमें कैसे करेंगे, 2 पावर अगर 5 है इंटू 2 पावर 6 है, 6
टू पावर 11 हो जाएगा, टू की पावर या कोई भी है पावर 5 पावर -5 4 और 5 पावर 6 है, तो आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 पावर -4 -6 यानी 5 पावर -10 हो जाएगा। क्लियर है? अब एक पावर जीरो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। एग्जांपल के लिए 1000 पावर अगर 0 तो 1। अब इसमें 2 पावर -5 है तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल यानी 1/2 पावर 5 हो जाएगा। 2 पावर 5 मीन्स क्या होता है, 5 यानी 32। और इसको कैसे करेंगे, जैसे 2 × 3 है, कभी ऐसे आ जाता तो आप लोग क्या करते हैं नहीं कर पाते हैं, तो 2 पावर m हो जाएगा, 3 पावर m हो जाएगा। क्लियर है? आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत बेसिक चीज है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसके बाद बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं आगे, इसको आप राइट कर लीजिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 32 पावर 1/5, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बेस क्लियर करेंगे कि बेस हमारा क्या है यहाँ। तो बेस क्लियर करने के लिए यहाँ लिखा है 32 पावर 1/5, तो हम इसका अगर हम फैक्टर करते हैं 16 2 2, क्लियर है, तो क्या हो जाएगा 2 पावर 5 1/5 हो जाएगा। अब पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, फार्मूला अप्लाई कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 पावर क्या हो जाएगा 1 1, मीन्स क्या हो जाएगा आंसर हमारा 2। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी बुक में ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। और क्वेश्चन को देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन -8 की पावर 3 कर दें, तब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, -8 है तो -2 की पावर अगर हम 3 लिखेंगे तो -8 आएगा वैल्यू, और पावर हमारी क्या है 3 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पावर क्या जाएगा 9, ये हमारा क्या जाएगा आंसर। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने के लिए या क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आप हमारे वीडियो से जुड़े रहिए, और चैनल को अगर आपको लगता है वीडियो आपको पसंद आ रही है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।